कनाडा के मॉन्ट्रियल से 40 किलोमीटर दूर सड़क हादसे के शिकार हुए संत निरंकारी मंडल के मुखिया बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। 18 मई को दोपहर 12 बजे निगम बोध घाट पर बाबा हरदेव सिंह का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। संत निरंकारी मिशन के गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की मृतक देह आज कनाडा के मॉन्ट्रियल से हवाई जहाज के जरिए दिल्ली लाई जा रही है। 18 मई तक उनकी मृतक देह को निरंकारी भवन में ग्राउंड नंबर 8 बुराड़ी रोड में रखा जाएगा ताकि श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शन कर सके। 18 मई को दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके उपरांत ग्राउंड नंबर 2 में शाम 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक श्रद्धांजलि समागम होगा। कनाडा के श्रद्धालु बाबा जी के अंतिम दर्शन कर सके, इसलिए उनकी मृतक देह को संत निरंकारी सत्संग भवन मॉन्ट्रियल में रखा गया है। आपको बता दें कि बाबा हरदेव सिंह जी की कनाडा में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी। बाबा हरदेव सिंह जी और उनके 2 जवाई न्यूयॉर्क से कनाडा के मॉन्ट्रियल जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार होने के कारण उनकी कार पलट गई। हादसे के वक्त कार की रफ्तार 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस हादसे में बाबा हरदेव सिंह जी के अलावा उनके जवाई अवनीत सिंह की भी मौत हो गई थी। न्यूज़ एक्स रिपोर्ट, जी मीडिया।